गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों बाकी था, तो पहले देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ हमें नेचुरली मिलता है उसको अगर चेंज नहीं करेंगे, मतलब ह्यूमन उस पर कोई दूसरा चीज़ नहीं बनाएगा तो उसको यूज नहीं कर सकते, तो या फिर उसको रिसोर्स नहीं बोल सकते। सपोज एक आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब होता है आयरन का पत्थर। तो वो पत्थर अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसको कोई भी रिसोर्स नहीं बोलेंगे। वो रिसोर्स कब कहलाएगा, जब उसी पत्थर से आयरन को एक्सट्रैक्ट, मतलब आयरन को निकाला जाएगा। तो जब आयरन ओर से आयरन निकाला जाता है तब उसको रिसोर्स बोला जाता है। तो फिर जो आयरन निकालते हैं उसी आयरन से भी बहुत सारे चीज़ बनता है, जैसे कि लोहे से बहुत सारे चीज़ ह्यूमन बनाते हैं, तो वो भी एक एक रिसोर्स में आएगा। तो ह्यूमन क्या करते हैं, जो चीज़ नेचुरली हमें मिलता है वो सभी चीज़ को ह्यूमन और ज़्यादा डेवलप करके कोई नया नया चीज़ बनाता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब होता है जो रिसोर्स को, जो नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन यूज करके और जो चीज़ बनाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिज बनवाना, रोड्स बनवाना, मशीनरी हो, व्हीकल्स हो, या कोई भी चीज़ हो, लकड़ी, जो ट्री से हमें जो लकड़ी मिलता है उसी लकड़ी से हम लोग जो फर्नीचर बनवाते हैं वो होगा ह्यूमन मेड रिसोर्स। या फिर सपोज मिट्टी, मिट्टी जो है वो हमें नेचुरली मिलता है, तो मिट्टी से मिट्टी का पॉट बनवाना, या फिर जो सुंदर सुंदर फ्लावर बेस होता है वो सभी बनवाना, तो वो सभी आएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स में। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में शुरू से भी थोड़ा बोल दिया गया था, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन है हम लोग खुद भी एक एक रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन के पास रहता है नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन अपने नॉलेज और स्किल से वो टेक्नोलॉजी के मदद से नेचुरल रिसोर्स से और भी बहुत सारे रिसोर्स क्रिएट करता है, इसलिए ह्यूमन जो है वो खुद भी एक रिसोर्स होता है। एंड पीपल आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो ये जो होते हैं पीपल, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा खास होते हैं, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ के जरिए, एजुकेशन और हेल्थ जो है ह्यूमन रिसोर्स का जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल करता है। क्योंकि जो ह्यूमन जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे वो उतने ज़्यादा नए नए इन्वेंशन कर पाएंगे। तो एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। या फिर हेल्थ को लो, अगर किसी ह्यूमन का हेल्थ अच्छा होगा तभी जाके उसके काम करने का जो एबिलिटी है वो डेवलप होगा। अगर कोई पर्सन ज़्यादा, उसको ज़्यादा डिजीज होता है, या फिर वो हमेशा बुखार, सर्दी, खांसी या कोई ना कोई बीमारी से वो घिरा रहता है, तो वो उसके जो काम करने का एबिलिटी रहता है वो उतना नहीं रह पाता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एजुकेशन और हेल्थ। तो अच्छे एजुकेशन और अच्छे हेल्थ से ह्यूमन रिसोर्स को और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे कंट्री पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एक एसोसिएशन बना है, या फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स MHRD जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो रहता है, वो जो है ह्यूमन को कैसे, उनको कैसे अच्छा एजुकेशन और अच्छा कैसे अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स दिया जाए उसके ऊपर वो काम करते हैं।